भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर और जिला नेतृत्व के निर्देश के अनुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल मगरलोड द्वारा कांग्रेस सरकार ने बिजली बिल में सुरक्षा निधि के नाम पर बेतहाशा वृद्धि की है, जिसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बिजली ऑफिस का घेराव किया गया। कार्यपालन अभियंता कुरूत के नाम विद्युत सहायक अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा गया। मंडल अध्यक्ष विजय यदु ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार ने जनता के साथ छल किया। सत्ता में आया है जो बिजली बिल आधा करने का वादा किया था, लेकिन आज बिजली बिल में अनेक प्रकार का टैक्स लगाकर वृद्धि की गई है, जिससे आम जनता को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। यदु ने कहा कि अगर प्रदेश की सरकार मनमाने ढंग से टैक्स लागू करती है, सभी टैक्स को वापस लेकर जितना यूनिट बिजली खपत होगा उसका बिल अगर आधा करे, भूपेश की सरकार अगर ऐसा नहीं करती तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मुरली सिन्हा भाजपा मंडल युवा मोर्चा उपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बेतहाशा बिजली बिल बढ़ाकर प्रदेश की आम जनता के साथ छल कर रही है। बिजली बिल के नाम पर लोगों की जेब काटी जा रही है। हर माह जो बिजली का बिल 300 से 400 आता था, अब उसमें अचानक वृद्धि करके 3 से 4 हजार तक बढ़ा दिया गया है और जनता को लूटा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार इस प्रकार की लूट को जल्द से जल्द बंद करे। छत्तीसगढ़ में बैठी निकम्मी सरकार जो 2018 में जो अपना वादा किया था बिजली बिल हाफ कर्जा माफ ऐसा के वादा किया था, उस तारतम्य में आज हम मनमाने ढंग से विद्युतों में बढ़ोतरी किया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में विद्युत विभाग का घेराव किए थे और आगामी अगर हमारे बात को सुना नहीं जाएगा तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बिजली बिल में बेतहाशा वृद्धि और जो अपन सुरक्षा निधि के नाम में जो लूट मचा थे ओकर विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी है सब अपन विद्युत केंद्र मगर रोड के घेराव करे हैं। अब आगे अगर कुछ एकर कोई प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हुई तो फिर उग्र आंदोलन युवा मोर्चा के द्वारा करे जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।